बीजेपी समर्थक राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के कांग्रेसी विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के दावे के बाद सचिन पायलट ने पलटवार किया। सचिन पायलट ने सुभाष चंद्रा पर निशाना साधते हुए उन्हें 10 जून को वोटिंग से पहले मैदान से हट जाने की सलाह दी। सचिन पायलट ने ट्वीट करके सुभाष चंद्रा पर हमला बोला। पायलट ने लिखा कि राजस्थान में राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सलाह है कि वो 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाए तो बेहतर होगा। बेइज्जती झेलने से अच्छा है विनम्रता की तरफ झुकना होता। दुर्भाग्य से राजनीति टीवी सीरियल बनाने की तरह नहीं है, जहां आप ये तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। सचिन पायलट को लेकर सुभाष चंद्रा ने आज कहा कि सचिन पायलट के पास ये मौका है, आज ये मौका चूक गए तो 2028 तक सीएम नहीं बनेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के जुझारू नेता है, उनके पिता से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक गहलोत भी हाईकमान को आंख दिखाते हैं, उसी तरह सचिन पायलट को भी अब स्टैंड लेना चाहिए। राज्यसभा चुनावों में उनके पास मौका है, अगर वो समर्थन करते हैं तो 2023 में उनके सीएम बनने के चांस बनते हैं, अन्यथा 2028 तक कोई चांस नहीं। सुभाष चंद्रा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस विधायकों से संपर्क में होने और क्रॉस वोटिंग का दावा किया। उसके कुछ ही देर बाद सचिन पायलट ने पलटवार किया। सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाया। चुनावी साल से पहले पायलट अब राजस्थान और देश की सियासत को लेकर बीजेपी को तत्काल जवाब देकर फ्रंट फुट पर मुकाबले की रणनीति अपना रहे हैं। इस रणनीति के तहत पायलट ने सुभाष चंद्रा पर भी पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।